दोस्तों आप दुनिया की कोई भी कार उठाकर देख लीजिए, कितना भी स्टेबल, मजबूत और फीचर से लैस क्यों ना हो, कभी न कभी एक्सीडेंट में उससे लोगों की जान जरूर गई है। लेकिन वोल्वो की XC90 एकमात्र ऐसी कार है जिससे आज तक कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई। और सिर्फ यही नहीं, वोल्वो की हर कार ही सेफ्टी के मामले में बेस्ट माने जाते हैं। यहाँ तक कि वोल्वो ने ही सेफ्टी बेल्ट का भी इन्वेंशन किया था, जिसे कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन इसका पेटेंट रजिस्टर्ड होने के बावजूद वोल्वो ने पूरी दुनिया के कार मैन्युफैक्चरर्स को इस इन्वेंशन को फ्री में यूज करने की परमिशन दी, जिससे कि आज लाखों लोगों की जान बच पाई है। यहाँ तक कि इस कंपनी के कमाल के इन्वेंशन और सेफ्टी फीचर से इंस्पायर होकर ही आज टाटा और महिंद्रा जैसे कार मेकर्स भी अपने व्हीकल्स को डिजाइन करते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि दूसरों को इंस्पायर करने और सबसे सेफ कार बनाने वाली कंपनी वोल्वो खुद डूब गई? आज के इस वीडियो में हम पूरी स्टोरी जानने वाले हैं। तो दोस्तों अगर देखें तो वोल्वो की शुरुआत हुई थी 1927 में, जब कुछ स्वीडिश इंजीनियर्स ने मिलकर गोथेनबर्ग स्वीडन में इसकी नींव रखी थी। इसके फाउंडर्स का मेन गोल था एक ऐसा कार बनाना जो कि वहां के क्लाइमेट का सामना कर सके और सेफ्टी के मामले में भी टॉप पर हो। और अपने इसी मिशन को पूरा करते हुए ही इन्होंने वोल्वो की पहली कार OV4 लॉन्च की। ओपन बॉडी 1.9 लीटर 4 सिलेंडर इंजन वाली यह कार 28 HP प्रोड्यूस करती थी। हालांकि पहली कार होने के बावजूद ये इंस्टेंट हिट साबित हो गई, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी, पावर, सेफ्टी और कंफर्ट हर मायनों में यह उस टाइम के हिसाब से परफेक्ट थी। साथ ही ये दुनिया की पहली ऐसी कार थी जिसमें लैमिनेटेड विंडशील्ड लगाई गई थी। एक्चुअली उस समय कार्स में लगने वाली विंडशील्ड एक्सीडेंट होने पर चकनाचूर होकर पैसेंजर्स को ही बुरी तरह घायल कर देती थी। लेकिन वोल्वो की कार में मौजूद लैमिनेटेड विंडशील्ड में प्लास्टिक लेयर्स लगी हुई थी, जो कि टक्कर होने पर कांच को एक साथ होल्ड करके रखती ताकि वो टूटकर लोगों को घायल न करे। इसी तरह से 1944 में वोल्वो ने अपनी सेकेंड कार PV444 लॉन्च की, जो कि इतनी ज्यादा सफल हुई कि इस ब्रांड को पूरी दुनिया में ही पहचान मिलने शुरू हो गई। वोल्वो ब्रांड अपनी हर नई कार के साथ कुछ न कुछ एडवांस इनोवेशंस लेकर आता था और अपने इन्हीं आविष्कारों की वजह से ही वो अपने राइवल ब्रांड से काफी आगे निकलता गया। 1959 में वोल्वो के ही एक इंजीनियर निल्स बोहलिन ने 3-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि आज के कार्स में भी एक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की तरह देखा जाता है। इस 3-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट को कंपनी ने पहली बार अपने PV544 मॉडल में इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत ही जल्द स्वीडन और बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। साथ ही इसने सेफ्टी और रिलायबिलिटी के मामले में भी कंपनी के रेपुटेशन को टॉप पर ला दिया था। एक्चुअली उस टाइम की कार्स में 2-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल होता था, लेकिन ये सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट को ही सेफ करने के लिए था। ऐसे में जब भी कोई कार किसी दुर्घटना का शिकार होती थी तो फिर अपर बॉडी पार्ट जैसे फेस, सिर या फिर चेस्ट बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते थे और लोगों की जान चली जाती थी। अब देखा जाए तो 3-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट का पेटेंट तो वोल्वो के पास ही था, लेकिन बढ़ती मौतों को देखते हुए कंपनी ने अपने इस इन्वेंशन का फायदा उठाकर ज्यादा प्रॉफिट कमाने की जगह पूरी दुनिया के कार मैन्युफैक्चरर्स को ही 3-पॉइंट सेफ्टी बेल्ट को इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी। और उनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से एक्सीडेंट से होने वाली कैजुअलिटीज बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गई। नेशनल हाईवे सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग 1975 से लेकर अब तक इस सीट बेल्ट ने लगभग 374,000 से भी ज्यादा जिंदगियां बचाई हैं। 1964 में वोल्वो ने रियर फेसिंग चाइल्ड सीट को भी इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि कार्स में बच्चों की सेफ्टी काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई। 70s का वो ऐसा दौर था जब लगभग सारे कार मैन्युफैक्चरर्स कार के परफॉर्मेंस, स्पीड और डिजाइन पर ध्यान देते थे। वही वोल्वो एक इकलौता ऐसा ब्रांड था जिसने लोगों की जिंदगी बचाने के बारे में सोचा और अपनी कार को हर तरह से सेफ बनाने की ट्राई की। अब कस्टमर्स का भी इस कंपनी पर विश्वास बनने लगा और ये बिलीव तब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया जब US गवर्नमेंट ने खुद इसे सबसे सेफेस्ट कार मान लिया। एक्चुअली 1976 में US गवर्नमेंट ने क्रैश टेस्टिंग के लिए वोल्वो 240 मॉडल की 24 कार्स खरीदी और उनका क्रैश टेस्ट किया गया, जिसके बाद वोल्वो को ऑफिशियली उस समय सभी नई कार्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए एज अ बेंचमार्क चुन लिया गया। इससे कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और दुनिया के हर कोने में ही वोल्वो कार्स की डिमांड होने लगी। 1977 में वोल्वो ने एक और नई टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जिसका नाम था लैम्डा सोंड। वोल्वो ने लैम्डा सोंड ऑक्सीजन सेंसर पेश किया, जिसने एमिशन को कम करने के साथ साथ इंजन परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर दिया। इसके बाद से 1991 में कंपनी ने साइड इम्पैक्ट प्रोटेक्शन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें साइड से एक्सीडेंट के सिचुएशन में पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए रेनफोर्स डोर बीम, एयर बैग्स और इसी तरह के कई सारे सेफ्टी फीचर्स लाए गए। हालांकि अभी तक वोल्वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और खूब सारा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही थी, लेकिन वोल्वो की पैरेंट कंपनी AB वोल्वो ने 1999 में अपनी कार डिवीजन को अलग करके एक सेपरेट कंपनी बना दी, जिसका नाम वोल्वो कार्स कॉर्पोरेशन रखा गया।
अब कार डिवीजन को अलग करने का रीजन यह था कि वॉल्वो तेजी से बदलती ऑटोमोटिव मार्केट पर प्रॉपरली फोकस करना चाहता था, क्योंकि इससे पहले तक वे ट्रक्स, बसेस, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और दूसरे इंडस्ट्रियल पावर सिस्टम्स को एक ही कंपनी के अंडर मैन्युफैक्चर करते थे। सेपरेट कंपनी बनने के बाद से इसी साल वॉल्वो फोर्ड के साथ में मर्ज हो जाती है, जिससे कि उसे फोर्ड की न्यू टेक्नोलॉजी और बेटर रिसोर्सेज मिल सके। इस एक्विजिशन के लिए फोर्ड ने $6.45 बिलियन चुकाए थे और अब फोर्ड के पास भी वॉल्वो की बेहतरीन इंजीनियरिंग टीम्स और प्रोडक्शन फैसिलिटीज आ चुकी थी। फोर्ड में शामिल होने के बाद से वॉल्वो खूब एक्सपेरिमेंट करता गया और इसने और भी कई सारे नए और एडवांस फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया, और ये सभी फीचर्स वॉल्वो के न्यू मॉडल XC90 SUV और S60 सेडान में देखे जा सकते हैं। इन कार्स के बिल्ड क्वालिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि XC90 एक लौती ऐसी कार थी जिसे 2015 में यूरो एनकैप से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। तभी तो 1998 में वॉल्वो कार्स की जो सेल 1,03,000 के अराउंड थी, वो 2008 में 3 गुना बढ़कर 3,74,000 के करीब पहुंच गई। लेकिन इसके बावजूद फोर्ड ने 2010 में वॉल्वो को $4 बिलियन के भारी नुकसान के साथ एक चाइनीज कंपनी गिली को बेच दिया। लेकिन फोर्ड ने ऐसा किया क्यों? पागल वागल हो गया था क्या? नहीं भाई, इसको बेचने का पहला रीजन था कि 2008 के आसपास फोर्ड बहुत बड़े फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना कर रहा था, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कार्स की सेल्स में बहुत बड़ी गिरावट आई थी। ऐसे में कंपनी ने अपनी लागत को कम करने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वॉल्वो को बेचना ही सही समझा। इसके अलावा दूसरा रीजन ये था कि वॉल्वो की कार्स सीधे जर्मन ट्रायो यानी मर्सिडीज, ऑडी और BMW के साथ में कॉम्पिटिट करती थी, लेकिन जहां इन तीनों ब्रांड्स की सेल्स काफी तेजी से बढ़ती जा रही थी, वहीं वॉल्वो इनसे पीछे छूटता जा रहा था। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वॉल्वो ने 2008 में 3,74,000 के करीब कार्स बेची थी, जबकि उसी सेम ईयर BMW की सेल थी 12,00,000 कार्स की। और यहाँ वॉल्वो के कार्स भले ही पहले से थोड़ा ज्यादा बिकने लगे थे, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट लगातार कम हो रहा था। लाइक 1998 में वॉल्वो ने $476 मिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था, जबकि 3 गुना ज्यादा सेल्स के बावजूद 2008 में इसे $1.5 बिलियन का लॉस हुआ था। और कुछ इसी तरह से फोर्ड के वॉल्वो को बेचने का तीसरा रीजन था कि फोर्ड के मैनेजमेंट अपने कोर ब्रांड जैसे कि फोर्ड, लिंकन और मर्क्यू पर ज्यादा फोकस रखना चाहते थे, ताकि बदलती हुई ऑटोमोटिव मार्केट में अपनी पोजीशन को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सके। इसीलिए फोर्ड ने अपने नॉन कोर ब्रांड्स जैसे कि वॉल्वो, जैगुआर, लैंड रोवर और एस्टन मार्टिन को भी बेच दिया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इतना इनोवेशन करने और मार्केट में इतनी अच्छी रेपुटेशन होने के बावजूद भी वॉल्वो आखिर जर्मन ट्रायो से पीछे कैसे रह गया? असल में दोस्तों, इसकी वजह ये थी कि वॉल्वो का मेन फोकस लोगों को सेफ्टी और नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना था, वहीं जर्मन ट्रायो अपने कस्टमर्स को एक लग्जरी फील भी दे रहा था। अब जहां तक सेफ्टी की बात करें तो दुनिया भर के गवर्नमेंट्स ने एक्सीडेंट की संख्या को कम करने और ड्राइवर्स, पैसेंजर्स या पैदल चलने वालों की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे कार सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए, जिसमें सीट बेल्ट, एयर बैग, एंटी लॉक ब्रेक्स, चाइल्ड सेफ्टी सीट्स और बैकअप कैमरा शामिल है। अब जब ये सभी सेफ्टी फीचर्स गाड़ियों के लिए मैंडेटरी कर दिए गए, तब ऐसे में वॉल्वो ने अपने सबसे बड़े और यूनिक सेलिंग पॉइंट को खो दिया। अब लोगों को सेफ्टी के लिए वॉल्वो कार्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लगभग वैसी ही सेफ्टी उन्हें एक सस्ती कार में भी मिल जा रही थी। साथ ही वॉल्वो और जर्मन ट्रायो के प्राइस काफी हद तक सिमिलर थे, लेकिन जर्मन ट्रायो सेफ्टी के साथ साथ लग्जरी फील भी दे रहे थे, तो ऐसे में कस्टमर्स मर्सिडीज, ऑडी और BMW की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे और वॉल्वो की मार्केट पोजीशन डाउन होने लगी। लेकिन अगर आप वॉल्वो के फैन हैं तो निराश मत होइएगा, क्योंकि गुड न्यूज यह है कि वॉल्वो एक बार फिर से मार्केट में धमाकेदार कमबैक की तैयारी कर रहा है, क्योंकि गिली में शामिल होने के बाद से वॉल्वो ने अपनी ब्रांड वैल्यू को बहुत ही ज्यादा एनहांस किया है। इसने 2013 में चाइना के अंदर अपना पहला कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश किया, जहां वॉल्वो S60L और XC60 जैसी बेहतरीन कार्स प्रोड्यूस की गई। कंपनी ने 2013 में टोटल 427,840 व्हीकल्स बेचे थे, जो कि 2012 के मुकाबले 1.4% ज्यादा थे। लेकिन वहीं 2019 में इसने ग्लोबली 705,452 यूनिट सेल किए थे, जो कि 2018 से 9.8% ज्यादा थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने 93 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्वो ने 700,000 से भी ज्यादा कार्स बेची थी। 2019 में कंपनी ने अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक SUV वॉल्वो XC40 रिचार्ज P8 को लॉन्च किया, जिसमें कि कई सारे नए फीचर्स जोड़े गए थे।
हालांकि फिलहाल वॉल्वो का गोल है कि 2025 तक वो ग्लोबली अपनी टोटल सेल्स में से 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे और 2030 आते आते कंपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार्स बनाने लगी। अब वॉल्वो का ये कमबैक इसके कॉम्पिटिटर्स को कितना परेशान करने वाला है ये तो हमें आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा, लेकिन वॉल्वो ने हम सभी लोगों के सेफ्टी के लिए जो काम किया है उसे हमें जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए।